मेरा नाम मोहम्मद फैजल नवाज है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। 2011 में मेरा जितना भी चाइल्डहुड सर्जरी जो मेरा स्पाइन का हुआ था, आई हैव साइफोस्कोलियोसिस एंड पोस्ट पोलियोरल पैरालिसिस एंड माय लेफ्ट शोल्डर, तो वो सारा सर्जरी कहीं हद तक फेल हो गया था। एंड आई वॉज टोटली ऑन बेड रिडन एंड कम आउट टू व्हील चेयर एंड आई रोम टू डिफरेंट हॉस्पिटल्स दैट टाइम इन 2011। And most of the hospitals were in the opinion that the only option is for the surgery, but it had like very higher risk associated with it. So I visited Manipal Hospital in 2011 and met Dr. Vidyadhar, and he was the only person who just gave me the confidence. And meri family ko ek support system Manipal Hospital se mila tha, so we opted for the surgery. And just before the surgery, I pledged myself that if I survived after my surgery, I will contribute part of my life for the scoliosis. And after surgery, एक मेरे ये concern रहता है कि हम लोगों का job लग पाएगा नहीं लग पाएगा, या career perspective से हम लोग कैसे upbringing कर पाएंगे। तो मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि after my surgery, I come across to the normal life to around just within 3 months. Just before my surgery, I was on BiPAP and oxygen machine, and slowly even I start to play cricket on oxygen machine. So post rehab एक बहुत important phase होता है, and मैं 3 महीने में ही काफ़ी अच्छा बेहतर फील करने के बाद मेरा जो वर्क रहा वो बेंगलोर में रहा 4 साल, and 2013 में मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया ड्यू टू सम फैमिली कंसर्न, एंड उसके बाद आई स्टार्टेड टू स्टार्ट अ प्रिपरेशन फॉर द UPSC सिविल सर्विस एग्जाम। एंड एक जो बहुत बड़ा कंसर्न रहता है इस कॉलेज कम्युनिटी में आफ्टर द सर्जरी के, पता नहीं हम लोग कैसा हमारा लाइफ रहेगा, हम लोग कहीं बेड रिडन ना हो जाए। तो यू कैन टेक माई एग्जाम्पल, इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी जो डॉक्टर विजेंद्र ने उस टाइम पर परफॉर्म किया था, एंड इट वॉज अ मेडिकल सर्जरी एक्चुअली। After my surgery, I joined around 2 government jobs in one of the reputed government organizations, and in parallel, I got selected for 3 fellowships. I got selected for the Girls Education Fellowship from the UKPACS. After that, I got selected for the Chicago Fellowship for the organization development, and then I got selected recently for the Kriti Fellowship, which is working on the state vendors. And in parallel, I am also looking after in my area for the girls education since long, in parallel to the scoliosis community awareness. सबको यही बोलना चाहूँगा कि after your surgery, life थोड़ी limitations आते हैं, but वो रुकती नहीं है। आपको थोड़ा अगर योगा को अपनी डेली रूटीन में आपका लाइफ का एक पार्ट बनाइए, प्लस नॉर्मल जो एक्सरसाइज होती हैं जिसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो मैं डेली यूज़ करता हूँ, एंड उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट होता है। सो अभी सबको पता है कि जून इज नोन फॉर द स्कॉलियोसिस अवेयरनेस मंथ, एंड प्लीज डोंट इग्नोर योर स्कॉलियोसिस, जस्ट डोंट इग्नोर योर कर्व। वंस यू नोटिस दैट देयर इज सम डेविएशन इन योर कर्व, प्लीज डू विजिट राइट डॉक्टर, राइट स्पाइन सर्जन। एंड आई रियली वेरी थैंकफुल टू Manipal Hospital and Dr. Vidyadhar who come forward to support in my vision.